हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल। लाइन ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल को ऐसे कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो, फैक्टर को इफेक्ट करने वाला कौन कौन से फैक्टर है, तो अपने सबसे पहले अगर मैं आपको पोटेंशियल का अगर डेरिवेशन बताऊं, तो अपने प्रूव करा था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, 4πε0 कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, इन फैक्टर के ऊपर अपन ने डिवीजन फाइंड करा था। ठीक है, अब अगर अपन से पूछे कि पोटेंशियल को कौन कौन डिस्टर्ब करता है, कौन कौन अफेक्ट करता है किसी बात, तो देखो पोटेंशियल को अगर आप डिवीजन देखो तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, चार्ज क्यू के। ठीक है, पोटेंशियल जो है अगर एक पूरी वैल्यू अगर आपका कॉन्स्टेंट क्या हो जाए, मानो कॉन्स्टेंट हो जाए, देखो क्या हो जाए कांस्टेंट, तो जो पोटेंशियल है एक तो किसके प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि अभी आपके दाई रहेगा, पर पहले जो पोटेंशियल है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा, क्योंकि तो लिखा मैंने पोटेंशियल जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज ऑफ कंडक्टर के, यानी जितना चार्ज ऑफ कंडक्टर होगा उतने पोटेंशियल भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, उतने क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल को फर्स्ट फैक्टर कौन अफेक्ट करता है, चार्ज ऑफ कंडक्टर, तो लिखा मैंने चार्ज ऑफ कंडक्टर। ओके, सेकंड अगर बात करूं मैं तो पोटेंशियल जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा तो पोटेंशियल डिपेंड करेगा साइज ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर की साइज पर या उसके एरिया पर, उसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे अगर बोलेगा जो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, डिपेंडेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ठीक है, सपोज करो कि मान लो अपने पास एक चार्ज हो गया प्लस क्यू वाला। ठीक है, अगर इसके आसपास में एक जीरो चार्ज वाला कोई कंडक्टर दूंगे, अदर कंडक्टर जिसके पास जीरो चार्ज है, तो चार्ज आपको यहां से कहां मिल जाएगा, इधर इसके पास समझ जाएगा। तो जब चार्ज का फ्लो यहाँ से यहाँ लग गया तो पोटेंशियल में कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आएगा। तो आपका जो पोटेंशियल किसको डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर आपका डिपेंडेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ठीक, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, और फोर्थ पॉइंट कौन सा आपका, मीडियम। अब मीडियम के पास किसे, देखो क्या आपका कॉन्स्टेंट था और कॉन्स्टेंट क्या था आपका, ये मीडियम कॉन्स्टेंट तरीके से, कौन सा कॉन्स्टेंट आपका मीडियम। जैसे मान लो के की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम में, तो ऐसे हर मीडियम के लिए कॉन्स्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। तो अगर के अगर ज्यादा होगा, मान लो अगर के की वैल्यू, अब देखो अगर मान लो अपन यहाँ पर सभी हटा के मान लो के रखें, अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल जो है मीडियम में प्रेजेंट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर थे जिन पे अपना पोटेंशियल का तो डिपेंड करता है। क्लियर, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आपकी बुक में जो पॉइंट दे रखे उनको सही से व्यवस्थित लिख लीजिएगा। अच्छा, आंसर आप जो लिख रहे हो अच्छी बात है, सभी आंसर लिखने में बढ़िया बात है, लेकिन मैंने देखिए बोलते बच्चों के फोटो वगैरह, तो पूरा पूरा डिटो ऐसे वैसे पूरा कॉपी को लिख डाला, फिगर तो फिगर 12.25 भी नहीं छोड़ा, बहुत सारा लिखा। आप थोड़ा सा लॉजिकली आंसर को बनाओ, मेरा वर्ड जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ बस, वो अभी कॉपी देखो और अपने खुद की नोट्स जो बना रहे हो थोड़ा व्यवस्थित बनाओ, ऐसा नहीं कि पूरा डिटो डिटो लिख दो, वो बहुत बेकार हो जाएगा। फिर आप जब लर्न करने जाओगे तो लर्न नहीं कर पाओ, क्या बुक कोई उतार दिया अपने, फिर देखा कि बुक इतनी मोटी ना अपनी कॉपी इतनी मोटी हो, बराबर हो। थोड़ा सा आंसर को जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है वो जरूर लिखे। ठीक है,